आप देख रहे हैं मीडिया विजन न्यूज चैनल। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। हरियाणा के गुड़गांव में एक अनोखी शादी का आयोजन किया गया। दो पालतू कुत्तों शेरी और स्वीटी में को उनके परिवार वालों ने आपसी रजामंदी से वैवाहिक बंधन में बांधा। इसके लिए बाकायदा निमंत्रण पत्र छापे गए और बांटे गए। घर और आसपास की जगह को खूबसूरती से सजाया गया। विवाह मंडप भी बनाया गया। दोनों कुत्तों की हल्दी और मेहंदी की रस्म भी अदा की गई। काफी संख्या में लोगों की भीड़ जुट गई थी, जो इस अनोखी शादी को देखना भी चाहता था और इस पल का गवाह भी बनना चाहता था। असली शादी की तरह इन कुत्तों की शादी में भी सभी रीति रिवाजों का पूरी तरह निर्वाह किया गया। कुत्तों के ओनर्स ने शादी समारोह से पहले अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा, ए छुट्टी ये 3 साल पहले आ गया मेरे आदमी के साथ में। हाँ, इसको एक हाथ टूटा है। 3 साल पहले आ गया मेरा पास में। आने के बाद में बस वही हमारा पास में। और एक यहाँ पर है जो शेरू, तो उसका माँ किराए पर है। ये हमारा अपना मुकाम है। तो सब बोल रहा है जो यार रानी जी, तेरा तो बाल बच्चा कोई है नहीं, तेरा तो इसको इतना प्यार करो, तो इसको शादी करा। तो हम बोला किसको साथ है? तो वो बोला टाइगर है वहाँ पर। तो उसका माँ बोला कि यार रानी, मेरे को सब बोलता है रानी, तेरा बेटी है, हमारा बेटा है, हम सब शादी कराए, बहुत ही करके बहुत अच्छा लगेगा। अथवा दूसरा दिन सब बोला कल हल्दी मंडप है, ठीक है, कम से कम 200-300 लेडीज वो समा इमें है, समाज देखा लग रहा है। पूरा हल्दी मंडप जैसे इंसान का होता है, हम लोग पूरा वैसे ही कर रहे हैं, वैसे नियम कानून सब कुछ। ऐसे लग रहा है जिन हमारे ही बच्चा है, लग रहा है ये मेरा ही बच्चा है। क्यों मेरा बच्चा ना, सबका ही शादी भी होता है, मेरा घर में तो कुछ होता नहीं, हो गया नहीं यार। तो ये सोचता है जिन इसको भाई ना में कुछ हो जाए मेरा। 3 साल से आपके साथ हैं और अब यहाँ के जा रही हैं। हाँ, आपकी अभी कैसी फीलिंग हो रही है? मेरा तो कल से, हम तो कुटी में काम कर रहे, तो भी हमें रोते रहते काम कर। ऐसे एक दिन बैठे थे, बैठे बैठे कुछ ऐसे इधर उधर पड़ोसी थे, दिमाग में डाले कि इन दोनों की शादी कर दो। उनकी स्वीटी थी तो हम दोनों का ही ज़्यादा बनता है, तो हम बोले कि चलो हो जाए शादी भी। तो ये आपने क्या क्या आयोजन किया है, क्या क्या तैयारी करी है शादी का? सर, शादी जैसे एक आम आदमी की शादी, ऐसे हमारे लिए शादी ही है। हम इसको जैसे इंसान की हर रस्म रिवाज के साथ शादी होती है, ऐसे हमारा भी हर रस्म हर रिवाज के साथ शादी।